नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी करेला चाट की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलिए आपको बता दें कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सामान कौन कौन से चाहिए। ये हमने होममेड करेले लिए हैं। ये मैदे से बनाए गए हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मल मठरी बनाते हैं ठीक वैसे ही इनको भी बनाया गया है। और इधर ये उबली हुई सफ़ेद मटर है। इस मटर में हमने भुना हुआ जीरा और काला नमक डाला है। इसके अलावा इसमें डालने के लिए हमने ये एक बारीक कटी हुई प्याज ली है और थोड़े से ये अनार के दाने लिए हैं। ये मीठी और खट्टी चटनी है, ये अमचूर की मीठी चटनी है और ये धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी है। ये आलू भुजिया है और इसमें डालने के लिए ये फेटा हुआ दही लिया है हमने। इस दही में थोड़ा शुगर और थोड़ा सा नमक मिलाया है। इसके अलावा इसमें डालने के लिए ये भुना हुआ जीरा और काला नमक है, ये सादा नमक है, इधर ये चाट मसाला है और ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है। तो चलिए बनाते हैं करेला चाट। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें ये करेले रखेंगे। अगर आप बड़ों के लिए करेला चाट बना रहे हैं तो आप ज़्यादा करेले ले सकते हैं, लेकिन आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े कम ही लीजिए, क्योंकि अभी इसमें इतना सामान पड़ेगा तो इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। और करेले हमारे वेस्ट ना हो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो ऊपर से हम ये उबली हुई मटर मिलाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम ये फेटा हुआ दही डालेंगे। दही डालने के बाद अब हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। ये धनिया पुदीने की बहुत ही टेस्टी चटनी है, बहुत चटपटी बनी है। और इसके बाद हम इसमें ये अमचूर की बहुत ही मीठी, बहुत ही चटपटी चटनी है, इसको डाल रहे हैं। अब हम इसमें कटी हुई प्याज मिलाएंगे और प्याज डालने के बाद हम इसमें ये सादा नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा नमक, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला मिलाएंगे। और इसके ऊपर से हम ये आलू भुजिया डालेंगे और अब हम इसमें कुछ अनार के दाने भी डालेंगे। देखिए, ये चाट बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी है। और अब इसमें हम एक पापड़ी फोड़कर डालेंगे। ये पापड़ी भी हमने घर पे ही बनाई है, होममेड पापड़ी है ये। और एक बार फिर से इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे और फिर से दोनों चटनी मिलाएंगे इसमें। पहले ग्रीन चटनी, फिर मीठी चटनी डालेंगे। और ऊपर से फिर से वही जीरा नमक, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स सभी कुछ डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और एक बार फिर से थोड़े अनार के दाने डालेंगे। अब हमारी ये करेला चाट बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी इसको बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है ये। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।